आपको बता दें कि गुजरात इंतखाब के हवाले से बड़ा अपडेट है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। गुजरात में बीजेपी को रोक नहीं पाई कांग्रेस, ये कहना है ओवैसी का। 27 साल से बीजेपी को इख्तदार में आने से कांग्रेस नहीं रोक पाई, ये कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जो बीजेपी को रोक नहीं पाई वो वोट की हकदार नहीं है। ये तमाम बातें AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 27 साल से बीजेपी को गुजरात में इख्तदार में आने से रोक नहीं पाई और जो बीजेपी को रोक नहीं पाई वो वोट की हकदार नहीं है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कही। साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही। मैं तो नहीं हरा था, ये कांग्रेस ही बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है। अरे ऐसा बोलते जैसा तो घर में दामाद आता है। कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी, देखो भाजपा को हराना है। हम भी 27 साल से बीजेपी को इक्तदार में आने से कांग्रेस नहीं रोक पाई, लिहाजा कांग्रेस का वोट पर हक नहीं है, वोट मांगने का इख्तियार नहीं है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। ये तमाम बातें कांग्रेस के खिलाफ कही ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को इक्तदार में आने से रोक नहीं पाई गुजरात में।